अम्मी के यहाँ से है लिफाफा। देखिए कितने सा? कितने माली माले, बहुत माले भाई। नानी ने भेजे, वाह थैंक यू बोल दो नानी को। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो के आप सभी बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, अभी हम अच्छे नहीं हैं। मेरी तो आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है अभी, और साथ ही ईसा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब 3-4 डेज से उसको फीवर जा ही नहीं रहा, मतलब मेरे बच्चे की आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो हम उसे लेके जा रहे हैं अभी एमरजेंसी, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये वायरल है क्या है जो उसका फीवर उतर के नहीं दे रहा। तो जस्ट हम जा ही रहे हैं, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। वैसे तो हमने यहाँ आने से पहले ही इन्हें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले ली थी, बट यहाँ पे हम 10-15 मिनट थोड़े से लेट हो गए, तो जिसकी वजह से हमारे से पहले और लोगों का नंबर आ गया, और हमारा जो नंबर है वो 4 के बाद है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत रश होता है और ना टाइम भी लग जाता है अच्छा खासा, एक एक पेशेंट पे वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो देखते हैं हमारा ये वक्त कैसे गुजरता है। तो मैं आपको बता दूं, ईसा तबीयत ख़राब होने की वजह से इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, उतना रूड बिहेव कर रहा है कुछ दिनों से, बस मत पूछे। हमारी पूरी रात और पूरा दिन पता नहीं कैसे गुजर रहा है कि ईसा दूध पिए हुए तो इसे पूरे 3 दिन हो चुके हैं, ये कुछ खा भी नहीं पा रहा। ईसा भाई, आई लव यू। तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है? दवाई लेने आए हो ना? दवाई नहीं, मुँह से देखना मम्मा कैसी है। मम्मा अच्छी है? मम्मा बहुत अच्छी है। मेरी बेटी की बुखार हुआ है, छोटे से बच्चा। मम्मा का बेबी कौन है? अच्छा किच्ची कर दो मम्मा को, फिर जाओ किच्ची करो मम्मा को। बाय गर्ल बाय। तो यहाँ पे बैठे हुए हमें 25 मिनट्स हो चुके हैं, अब अभी हो गए, लेकिन यहाँ पे मुसलसल भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ईसा के फीवर को 3 दिन से ऊपर हो गए थे, तो ये हमें किसी ने बताया कि हींग लेके वाइट कपड़े में और इसको है ना ईसा की टांग में बांध दो। और इसे ईसा है ना इतना इरिटेट हो रहा था ना कि इसने अभी भी है ना ये उतरवा दिया है अपने पैरों से। तो इतने सारे वेटिंग के बाद है ना हमारा फाइनली नंबर आने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट ही हम हैं। तो ईसा का अच्छा से चेकअप होने के बाद ईसा को चाहिए थी डॉक्टर साहब से टॉफ़ी, और डॉक्टर साहब भी इतने अच्छे कि इन्होंने टॉफ़ीज रख भी रखी है अपने साथ। ईसा को टॉफ़ी चाहिए बस। तो दवाई अभी ऐसे ही ले ली। ईसा टॉफ़ी किसने दी थी? डॉक्टर। किसने दी थी? डॉक्टर शाम ने। डॉक्टर शाम ने। तो जब हम घर आए तो हमें ये ईशान के कज़न हैं, उनके हस्बैंड की शॉप है, तो मतलब दूल्हा भाई ईशान के, तो वहाँ से मुझे पार्सल आए थे जिनका मुझे प्रमोशन करना था, रील्स बनानी थी। तो हमने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़तों के बाद ये रील्स बनाई, जो कि हमने बहुत मज़े भी किए। तो आप देख सकते हैं अक्सा से लहंगा वेयर ही नहीं हो पा रहा था। अक्सा हंस हंस मत, अरे रुक जा, फड़फड़ा मत। इसकी ये स्लीव्स देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट है, ये इसकी बैक साइड है, और ये भी इसकी स्लीव्स है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह ये लहंगा खूबसूरत है ना, उसी तरह ये ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत है इसका। तो आप देख सकते हैं टेल वाला लहंगा है। The next day. तो गाइज आप लोग बोल रहे थे हमारे यहाँ दूसरे तरह की और क्यों नहीं बनती पकौड़ी, तो मैं उसका रीज़न आपको बता दूँ, हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए सेव करी है, उन लोगों के लिए जो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई और तरह की क्यों नहीं बनाते, मतलब इतनी सारी बच गई थी ना, तो मैं आप वीडियो ही देखें। तो गाइज ये वीडियो जो ये है मेरी सुबह के 4:15 की वीडियो, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये समोसे भी हमने मंगवाए थे ये भी रखे रह गए, और मैंने इतना सारे पकौड़े कलरफुल बनाए थे वो भी रखे रह गए, और यहाँ पे दूसरी साइड हमारी चाय बन रही है। तो गाइज़ माशाल्लाह से हमारी इफ्तार का पकोड़े वकोड़े तो तैयार हो गए, सब कुछ तैयार है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने भाई का, क्योंकि अभी मम्मी का फ़ोन आया था और मम्मी ने बताया कि सुहेल भाई आ रहे हैं और तुम्हारी तिवारी लेके आ रहे हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले अपने आप को कम्फर्टेबल करके इस चेंज कर लेती हूँ सूट को। जनरल भी आ चुके हैं,
ये मुसलमान थक गए। तो ईशान बताया, आप ईशान के बाल कैसे लग रहे हैं बड़े बड़े? मैं तो इन्हें कह के थक गई हूँ बट कटवा नहीं रहे। तो भाई ये होती है बीवियों की कदर, जब 4 साल होने वाले हो ना तो बीवी को अनसुना करने लग जाते हैं लोग। और ईसा को जो है वो पता नहीं क्यों 3-4 दिन से नींद आ जा रही है, बहुत नींद, कि ये सुबह सोते हैं और 4-4 बजे उठ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इनके पापा आ गए और इनसे बातें कर रहे हैं नींद में। मम्मा का बेबी है। मम्मा का है ना? पापा। आए ताली। मम्मा का बेबी नहीं है? फिर मैं जा रही शॉपिंग करने। बहुत सारी आवाज भी नहीं निकल रही ईसा की, इतनी तबीयत खराब है। ईसा बताओ ना कैसे हो आप? हैं फीवर किसको आ रहा है? फीवर किसको आ रहा है? ईसा की तबीयत ख़राब होने की वजह से अभी ये बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं आपने जैसे कि देखा, और सिर्फ इन्हें अपने पापा ही चाहिए अभी और अपनी दादी चाहिए। तो ये मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं, अपनी दादी की सुबह ही ना गोद में बैठ गए थे। कौन आया? कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनस भाई खैरियत से? आप बताएं। मामू भाई और शेजी मामू, और छेजी मामू कब आए? मतलब मेरी तेवारी आ गई माशाल्लाह। मैं हूँ बॉस। कौन है बॉस? मैं हूँ बॉस। कौन है बॉस? छेजी मामा। छेजी मामा मेरा बेटा। छेजी मामा की बाइक। छेजी मामा बूम बूम। क्या है? छेजी मामा बाइक। पापड़ बाइक। अप्पू कैसी है? अक्सर क्या कह रहा है? ईसा कहाँ जा रहे हो? तो आप सबके ज्ञान के लिए बता दो, ये सब है ना अक्सा ने ही सिखाया और आज इन्हीं को भारी पड़ गया सिखाना। ओहो क्या ही? ये मेरी अम्मी के यहाँ से है लिफाफा। कितने माली माल है, बहुत माल है भाई। खाली लिफाफा बेचती गई हमारी दूर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्रैंक कर दिया मेरे साथ। दुगाड़ी तो नहीं आएगी इतने पैसों में। यहाँ पे सुहेल ने मेरे साथ इतना अच्छा प्रैंक किया है ना, ये 2 लिफाफे घर से रख के लाए थे जो इन्होंने मुझे खा लिया। और पता है प्लान बहुत लंबा था, इन्होंने सोचा था कि मैं वो खाली लिफाफा बिना देखे रख लूँगी और मम्मी को फ़ोन करूँगी। इसने दाल का क्या कॉम्बिनेशन है इफ्तार के साथ, मैंने मुझे खुद नहीं पता। यहाँ पे सारा सामान लगा दिया है। अब अक्षा मैडम को देखते हैं, अक्षा मैडम कर क्या रही है दस्तरखान का? एक सेकंड यार, वो मैं बता रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह पास है भाई। अच्छा हाँ, आज तो भैया अक्षा रानी हमारी पास हो गई, इनका रिजल्ट आया। तो हमारी सासू माँ चेक करते हुए
सासू माँ की शक्ल देख लो। क्या ये खजला है? खजला है, ये भी खजला है, ये भी खजला है, ये फैनी है। अच्छा ये फैनी है, ये बनाना है, पपीता, पपीता, तरबूज, तरबूज, खजूर, खजूर, अंगूर, अंगूर, सेब, क्या ये अंगूर है, सेब और कचरी और शरबत। आज सेटिंग करते हुए दस्तरखान की शिद्दत से दस्तरखान लगाया आज है भाई, मेहनत मेहनत। तो यहाँ पर हम सुहेल भाई से मेहनत करवाते हैं, हमें ऐसे मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारे घर में आके काम करते हैं। तो हमारे सुहेल को देख सकते हैं आप। रमदान 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 हदा शहरुल गुफरान इग़फिर ज़म्बी रहमान ज़िदनी मिनल ईमान या रहमान। एक तुम्हारे यहाँ की, एक तुम्हारे यहाँ की, ठीक है। अल्लाह चाय का टाइम हमारी है, चाय का पानी भी लग गया। ये सर क्या है? पैसे। किसने भेजे ये? पैसे। किसने भेजे ये? मम्मा। नानी ने भेजे। दादी पैसे। नानी ने भेजे। वाह थैंक यू बोल दो नानी को। थैंक यू नानी। थैंक यू नानी। ला मुझे दे दो मम्मा। नहीं। मम्मा को दे दो। नहीं। ला मम्मा को दो। नहीं। मम्मा को दे दोगे? देख दसिया ना। नहीं। देखो। पापा लो। पापा को नहीं दे दे। नहीं। पापा को नहीं दे दे। ला। तो गाइस ये थी आज की मेरी तिवारी जो कि आई थी मेरी मम्मी के यहाँ से। तो हर रमज़ान आती है माशाल्लाह से, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माँ को। तो मैं अपना व्लॉग का एंड यहीं पे कर देती हूँ। होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा चैनल प्लीज़।